नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और कई टॉपिक्स के बारे में काफी ब्रॉडर डिस्कशन हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की, शेयर स्ट्रेन की और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। हमने थोड़ी डिस्कशन की थी चिप्स के बारे में और बात की थी टाइप्स ऑफ चिप्स। ठीक है, बात करने की कोशिश करेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ चिप्स के डिटेल डिस्कशन के बारे में। थोड़ी डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स के बारे में, और चिप्स के बारे में बात करने में पहली जो टॉपिक आती है वो हमारी कंटिन्यूअस चिप्स आती है। चार पार्ट में हमने डिवाइड किया था, पहली थी आपकी कंटिन्यूअस चिप, दूसरी थी डिसकंटिन्यूअस चिप्स, तीसरी थी कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप पेजेस एंड फोर्थ वन वाज सेग्रीगेटेड चिप्स। ठीक है, तो इस लिस्ट में पहला जो टॉपिक है वो आपका आएगा कंटिन्यूअस चिप्स का। देखिए, अगर बात करें कंटिन्यूअस चिप्स की तो दो पार्ट में ही क्लासिफाई किया जा सकता है, विथ बिल्ट अप एजेस एंड विदाउट बिल्ट अप एजेस। अब दोनों में बिल्ट अप एजेस सिंस इन्वॉल्व्ड है, तो एक छोटी सी डिस्कशन अगर हम लोग करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बहुत माइनर जस्ट इंट्रोडक्शन, और बिल्ट अप एजेस के बारे में काफी वाइड डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। देखिए, अगर थोड़ा बस समझ लेते हैं कि बिल्ट अप एजेस होती क्या चीज है। अगर ये आपकी मेटल कटिंग की ऑपरेशन हो रही है और ये आपकी टूल है, ठीक है, आपकी वर्क पीस है ये, तो ये जो इंटरफेस है सेकेंडरी एंड प्राइमरी, प्राइमरी में अगर बात करें तो बेसिकली इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में टेम्परेचर की वैल्यू काफी हाई होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टू मेटल्स, एंड आप फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर योर मेटल, फॉर योर वर्क पीस टू कट, तो हाई प्रेशर होती है। ठीक है, अब इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हाई स्ट्रेस भी जनरेट होती है यहाँ पे, हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है, और हाई स्ट्रेस एंड हाई प्रेशर की वजह से यहाँ जो आपकी चिप बाहर की ओर मूव आउट कर रही है, और ये जो आपकी यहाँ पे इंटरफेस है यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है ड्यू टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर फोर्स, तो एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जाती है कुछ ऐसे केसेस में कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ मेटल कटिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो इस पॉइंट पर बेसिकली कुछ लेयर तक स्लाइट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में लोकलाइज्ड अटैचमेंट हो जाती है, लोकलाइज्ड जॉइनिंग हो जाती है आपकी चिप और टूल की, तो ये जो फेनोमेनन हो रहा है इसे हम लोग बिल्ट अप एजेस कहते हैं। ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, बहुत परेशानी क्रिएट करता है कभी कभी, और इसे रिमूव करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स को लिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग बिल्ट अप एजेस के बारे में, काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट टॉपिक पे और बात करते हैं कंटिन्यूअस चिप्स की। देखिए, कंटिन्यूअस चिप्स के फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं कैसे वर्कपीस की जो कि डक्टाइल है, आप जो कटिंग वेलोसिटी यूज कर रहे हैं वो आपकी काफी हाई है, ठीक है, आपकी डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम है, आपकी रेक एंगल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और आप अगर लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी जो नेचर है वो सफिशियंट होनी चाहिए और कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है, कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग, ठीक है। इन इस कंडीशंस के साथ अगर आप अपने मशीनिंग ऑपरेशन को कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपकी जो चिप्स जनरेट होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस चिप्स जनरेट होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप कटिंग की ऑपरेशन को कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रैक्स को प्रोपगेट होने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत होती है, ठीक है, क्रैक्स तो जनरेट होते हैं बट क्रैक्स आपके प्रोपगेट हो पाए और चिप आपकी टूट जाए या टूट पाए इसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है, टाइम की जरूरत होती है।
बट ड्यू टू द हाई कटिंग वेलोसिटी ये टाइम काफी कम पड़ जाता है और आपकी जो क्रैक्स जनरेट होती है वो आपके चिप्स को तोड़ नहीं पाती है, उससे पहले आपकी चिप काफी आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कंटिन्यूअस चिप्स को ऑब्टेन किया जाता है अगर आप मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं विद दीज वेरिएबल्स, ठीक है। ये डिस्कशन हो गई हमारी कंटिन्यूअस चिप्स के बारे में। अगर बात करें दूसरे टाइप ऑफ चिप डिसकंटिन्यूअस चिप्स की, ठीक है, तो अगर डिसकंटिन्यूअस चिप्स की अगर हम लोग बात करें तो पहली जो कंडीशन है वो आपकी ये है कि आपकी मटेरियल अगर ब्रिटल है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है 99% चांस यही है कि विद ब्रिटल मटेरियल्स आपकी जो चिप्स जनरेट होगी वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस चिप्स होगी। बट क्या डक्टाइल मटेरियल के लिए भी डिसकंटिन्यूअस चिप्स जनरेट हो सकती है? तो अगर आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं ऐसे कटर के थ्रू, एक ऐसे टूल के थ्रू जो मल्टी पॉइंट है, ठीक है, तो आप ऑप्टिंग कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स। फॉर एग्जाम्पल मशीनिंग ऑफ माइल्ड स्टील MS इन केस ऑफ मिलिंग यू विल बी ऑप्टेनिंग द डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है। यहाँ एक और चीज है कि आपकी जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो हार्ड हो और वर्क हार्डनेबल हो, ठीक है, तो आप ऑप्टेन कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स इन केस ऑफ ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल्स ऑल्सो। बात करें अगर ब्रिटल मटेरियल्स की, फॉर एग्जाम्पल ग्रे कास्ट आयरन, तो बहुत वाइडली जब आप मशीनिंग कर रहे हैं ग्रे कास्ट आयरन की या ब्रिटल मटेरियल को की, तो ऑप्टेन की जाती है डिसकंटिन्यूअस चिप्स। कुछ और भी कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये हैं कि अगर आप जो फिट रेट यूज कर रहे हो, अगर फिट रेट आपकी हाई है, आपकी रेक एंगल की वैल्यू निगेटिव है, आपकी डेप्थ ऑफ कट लार्ज है और आपकी कटिंग फ्लूइड जो है या तो वो एबसेंट है या तो इनएडिक्वेट है, तो आप ऑप्टेन कर सकते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप्स इन केस ऑफ योर कटिंग ऑपरेशन फॉर ब्रिटल एज वेल एज इन सम केसेस फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। तो ये दो डिस्कशन हो गई। एक तीसरे टाइप ऑफ चिप जो डिफाइन की गई है वो है आपकी कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां आपकी ये जो अनडिजायरेबल बिल्टअप एजेस है ये ऑब्जर्व की जाती है? तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंडीशंस ये है कि मटेरियल तो आपकी डक्टाइल ही होगी क्योंकि आपकी जो चिप है वो प्राइमरीली कंटिन्यूअस है, ठीक है, ब्रिटल की तो टेंडेंसी ही नहीं होती है कंटिन्यूअस चिप्स की, इसलिए तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। मटेरियल की अगर बात करें तो डक्टाइल मटेरियल है, कटिंग वेलोसिटी आपकी मीडियम है, आपकी जो फिड रेट है वो भी मीडियम है और आपकी जो कटिंग फ्लूइड है वो क्या है, या तो एबसेंट है या तो इनएडिक्वेट है। तो अगर आप ऐसे वेरिएबल्स के साथ मशीनिंग ऑपरेशन करें तो आपकी जो ऑप्टेन्ड चिप्स होगी वो होगी विथ बिल्टअप एजेस। यहां तक हमारी डिस्कशन खत्म हो गई। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों की मेल आ रही थी और वो डिमांड कर रहे थे नोट्स की। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि नोट्स मैं चाहूं तो बहुत आसानी से पिक्चर खींच के आपको भेज सकता हूं, बट ये स्पून फीडिंग जो होती है ये अच्छी चीज नहीं है आपके लिए, ये फायदेमंद नहीं है, ठीक है। नोट्स आप खुद अगर बनाएंगे तो लिखने के टाइम में ही 30-40% चीजें आपको याद हो जाएंगी और नोट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपनी नोट्स सारी खुद से बनाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप भी बनाएं। अगर किसी चीज में इश्यू है, अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ और भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आप मुझे लिख सकते हैं। जैसे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे कुछ बच्चों की मैसेज आती है, मैं उनकी रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में और बात करेंगे, काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग बिल्टअप एजेस के बारे में। उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।